अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। आज आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 12, लेक्चर नंबर 11 है और थ्योरम नंबर है 12.1.1, यानी फर्स्ट थ्योरम। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स इज के पास जो स्टेटमेंट गिवन है या आपके पास टू बी प्रूव्ड है, इस हिस्से को आपने प्रूव करना है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, या आपके पास गिवन पार्ट है। लाइन सेगमेंट के बारे में आप जानते हैं कि उसके दो एंड पॉइंट होते हैं। जैसे अगर मैं लिखती हूँ तो ये लाइन सेगमेंट सी डी है, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। जबकि राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि एक ऐसी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और राइट का मतलब है राइट एंगल बनाना। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। अब आपके पास गिवन में है कि लाइन एल एम, लाइन एम एल इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन है ये, बाइसेक्टर ऑफ, लाइन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, एल एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ये लाइन सेगमेंट की सिंबल है, और ए बी पर कहाँ पर, वो पॉइंट सी पर, एट पॉइंट सी, यानी पॉइंट सी पर एल एम, लाइन एल एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, जब पॉइंट सी पर, सच दैट, सच दैट परपेंडिकुलर से खुद ही पता चल गया कि यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, और बाइसेक्टर का मतलब है कि ये दो इक्वल पार्ट्स बन गए, यानी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ये आपके पास गिवन है। अब प्रूव आपने क्या करना है कि इस पर एक कोई सा भी लाइन सेगमेंट एल एम पर आप कहीं पर भी एक पॉइंट पी ले लें, पी इज अ पॉइंट ऑन लाइन एल एम, ये कोई सा भी एक पॉइंट है आप कहीं पर भी ले सकते हैं लाइन एल एम पर। प्रूव आपने क्या करना है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, यानी पी ए की मेजरमेंट इज इक्वल टू मेजरमेंट पी बी, ये आपने प्रूव करना है। लाइन एल एम है, उस पर कोई सा पॉइंट पी है, जबकि लाइन एल एम लाइन सेगमेंट एल ए बी पर परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और पॉइंट सी पर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और प्रूव हमने करना है कि पॉइंट पी से ए और बी का डिस्टेंस इक्वल है। अब इसके कंस्ट्रक्शन करते हैं। पी आपका ऑलरेडी गिवन पॉइंट है कहीं पर भी। अब पी को पहले डॉटेड लाइन के जरिए, स्केल के जरिए पी को पी से मिलाएंगे। कंस्ट्रक्शन आपको मैंने पहले भी कहा था कि हम हमेशा डॉटेड लाइन के जरिए करेंगे ताकि हमें याद रहे कि इतना पार्ट कंस्ट्रक्शन का है। राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करने के लिए एक ईजी सा तरीका बता दूं कि आप लाइन सेगमेंट किसी भी मेजरमेंट के लें, उसके मिड पॉइंट, उसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट लें। मेजरमेंट अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर तो 2.5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट सी लें, और प्रोटेक्टर की मदद से इस पर 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना लें। जब आप 90 का एंगल बनाओगे तो आपको यहाँ पे कहीं पॉइंट मिलेगा, तो उसकी लाइन ड्रॉ कर दें, तो आपकी जो फिगर आप बनाओगे वो एक्यूरेसी में आ जाएगी, आपकी जो फिगर बनेगी इस तरीके से एक्यूरेट होगी। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जॉइन किया है हमने, जॉइन पी टू ए
एंड जॉइन पी टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इन दोनों लाइन पी को दोनों पॉइंट से जॉइन कर दिया। अब आप देखें तो आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, पी सी ए और पी सी बी। अब इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। इन कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल, अब ये राइट ट्राइंगल्स हैं क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया हुआ है। इन राइट ट्राइंगल्स ट्राइंगल पी ए सी कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल पी सॉरी सॉरी पी बी सी। ये दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, पी ए सी और पी बी सी। अगर हम यहाँ पर राइट एंगल नहीं भी लिखेंगे तब भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं इजीली। इन ट्राई एंगल, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, पी सी ए कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्राई एंगल पी सी पी। ट्राइंगल का नाम आप कहीं से भी लें, आप पी बी सी भी कह सकते हैं, पी सी बी भी कह सकते हैं इसको। इसी तरीके से पी सी ए, पी ए सी, सी ए पी, सी पी ए। ट्राइंगल को आप जिस मर्जी वर्ड से स्टार्ट करें वो पढ़ना, उससे नेक्स्ट आगे आप ऑनवर्ड मूव करते जाएंगे। नाउ ट्राइंगल पी सी ए और पी सी बी, इन दोनों में आपके पास एंगल सी जो है 90 डिग्री का है। अब सी क्योंकि सेम पॉइंट है इसलिए इसको हम दो तरह से बोलेंगे। एक तरह अगर इस ट्राइंगल में बोलेंगे इसका नाम तो फुल नेम होगा पी सी ए। तो एंगल पी सी ए इज कॉन्ग्रूएंट टू, दूसरी साइड पे एंगल है पी सी बी। रीज़न क्या है कि हम जानते हैं एल एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी एट सी। अब परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। नेक्स्ट हम ये जानते हैं कि ए सी और पी सी कॉन्ग्रूएंट है, ये हमें गिवन में पता है कि ए सी इज कॉन्ग्रूएंट टू बी सी। ये गिवन में ही पता था। ये कैसे पता था? क्योंकि हम जानते थे कि पी जो एल एम है वो इस पर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब फिर बता दूं, बाइसेक्टर ऐसी लाइन है जो किसी दूसरी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ए सी इज कॉन्ग्रूएंट टू बी सी है। उसके बाद अगर देखें तो पी सी ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है। कॉमन मीन मुश्तरक, यानी पी सी बी में भी साइड पी सी यूज़ हो रही है और पी सी ए में भी साइड पी सी ही इन्वॉल्व है। तो पी सी कॉन्ग्रूएंट टू पी सी, ये दोनों की कॉमन साइड है जो दोनों ट्राइंगल्स में इन्वॉल्व है। अब तीन कंडीशंस पूरी हो गई। हमने किस किस की बात की? हमने बात की इस साइड की, फिर हमने बात की इस साइड की और इस एंगल की बात की। अब देखा जाए तो ये तीनों का क्या कम्बिनेशन है? साइड एंगल, 90 डिग्री का एंगल है, साइड एंगल और फिर साइड। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के लिहाज से, पोस्टुलेट आपको पता था ये ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड है, साइड एंगल साइड के लिहाज से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रूएंट हैं। यानी पी सी ए इज कॉन्ग्रूएंट टू ट्राइंगल पी सी बी। अब अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रूएंट हैं तो इसका मतलब है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रूएंट होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग का वर्ड हम मैट्रिसेस के चैप्टर में भी यूज़ कर चुके हैं और आपको इसको एक्सप्लेन कर चुके हूँ। अगर आपके पास इसको मैं इस शेप को ट्रायंगल को उठा के उलट दूँ इसके ऊपर, तो एंगल बी एंगल ए पे फिट बैठेगा, बिल्कुल उसी सेम साइज और उसी सेम शेप का है। P
पी के ऊपर पी आएगा और पी सी के ऊपर पी सी की लाइन ही रहेगी। इसको मैं टर्न कर दूँ तो पी ए और पी बी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट साइज के होंगे। तो इसका मतलब है कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी ए की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी बी है। तो पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। और रीज़न क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग दीज आर साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट की स्पेलिंग में फिर बोल रही हूँ सी ओ एन जी आर यू ई एन टी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी दो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट साबित कर दी हैं, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आज का थ्योरम आपका हुआ कंप्लीट। तो इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।